हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और आप लोगों को विश्वजीत मन्ना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक इन्फिनिक्स का मोबाइल आया है, ठीक है। इसका जो मॉडल नंबर है इन्फिनिक्स हॉट 11S है, ठीक है। तो दोस्तों, एक्चुअली इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, इस फ़ोन को हम जब मोबाइल को हम ऑन करते हैं तो इसका ये मोबाइल तो ऑन हो जा रहा है मगर इसका जो टच काम नहीं कर रहा, ठीक है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम यही है कि मोबाइल तो ऑन हो रहा है मगर इसका टच काम नहीं कर रहा। तो हमने इस पर डिस्प्ले भी, एक्चुअली इसका मार्केट में डिस्प्ले आया है कि पता नहीं, डिस्प्ले तो हमने चेंज करके नहीं देखा वैसे ही, मगर हमने डिस्प्ले को पूरा निकाल के देखा तो वैसे इसका डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हम फ़ोन को ऑन करते हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिक्स बोल के आ रहा है, इन्फिनिक्स बोल के आ रहा है। और इसका प्रॉब्लम क्या है अभी हम ये जानेंगे। एक्चुअली दोस्तों, कहीं दूसरे शॉप पर गया था, वहाँ से रिटर्न आया है। कस्टमर का कहना है दोस्तों कि ये मोबाइल पानी में गिरा था, ठीक है। तो सर्विस के लिए दिया था, वहाँ पे मोबाइल तो ऑन करके दे दिए मगर जब देने का टाइम था मोबाइल ऑफ था, मगर लेने का टाइम में क्या मोबाइल ऑन करके तो दे दिए मगर जो इसका टच ख़राब है। तो दुकान वाले ने शायद उनको बोला है कि आपका स्क्रीन ख़राब हो चुका है, 3,000 2,000 2,500 कुछ लगेगा। तो कस्टमर ने क्या किया, रिटर्न ले लिया, नहीं बनाना है बोल के। तो मैंने जब इसको खोल के देखा तो इसमें जो है इसके एक्चुअली सील जितने भी सारे हैं मैंने निकाला, सील पहले किसी ने निकाला नहीं था। तो जिसने भी सर्विस किया हो उसने कुछ भी सर्विस नहीं किया एक्चुअली, वो हीट करके मदरबोर्ड फिटिंग करके दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल में इसका जो स्क्रीन है कहीं पर भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो लेटेस्ट मॉडल है, ये सभी जैसे इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, ये सभी का जो लेटेस्ट मॉडल होता है, आपको इसका तो स्कीमेटिक्स भी नहीं मिलेगा आपको, है ना, इसका डायग्राम भी नहीं मिलेगा। तो इसका जो टच का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेंगे। और जो जो नया नया मॉडल है इसका डिस्प्ले भी मार्केट में नहीं मिलता कि आप दूसरा डिस्प्ले या कॉम्बो लगा के चेक करें कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ कुछ पुराने मॉडल मिल जाए, अभी जो लेटेस्ट लेटेस्ट जो निकल रहे हैं ये सबका तो डिस्प्ले मार्केट में आया है कि नहीं आया वो भी पता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कोई सा भी मोबाइल आएगा तो कस्टमर को पूछ लेना है कि क्या प्रॉब्लम है और आया कैसे। तो मुझसे ये पर एक मुझे ये पता चला कि कस्टमर का कहना क्या था, पानी में गिरा हुआ था मोबाइल, ठीक है। और मगर जब मोबाइल को मैं खोल के देख रहा हूँ एकदम फ्रेश है, कहीं से भी कुछ डैमेज नहीं। मैंने इसके जितने भी सारे सील्स था मैंने सभी जितने भी सारे सील था सभी मैंने निकाला तो मुझे कहीं पर भी वाटर डैमेज नहीं दिखा। तो मुझे लगता है जिस भी बंदे ने काम किया है वो सिर्फ ऊपर से हीट मार के छोड़ दिया है और उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से सर्विस करके नहीं दिया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जितने भी सारे टेक्नो हो गए, इन्फिनिक्स हो गया, आईटेल्स हो गए, जो बड़े बड़े मॉडल एंड्रॉयड में जो निकल रहा है लेटेस्ट मॉडल, उसमें अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है वाटर डैमेज होने के कारण या हाथ से गिरने के कारण उसका टच काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। बड़ा छोटा सा आसान सा ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसके आपको भी नॉलेज होगा, अगर जो काम कर रहे हैं उनको पता ही है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है आसान तरीके से, कोई सीक्रेट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं अभी आपको माइक्रोस्कोप में लेके जाता हूँ, वहाँ पे इसके डिटेल में बताऊँगा कि आप इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम माइक्रोस्कोप में आ चुके हैं, माइक्रोस्कोप में मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये इसका पावर एसी हो गया, ठीक है, पावर एसी हो गया। तो पावर एसी के पास में देख सकते हैं कहीं पे भी वाटर तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मैंने अभी तक इसको सर्विस नहीं किया, सिर्फ सील निकाला है। मेरे ख्याल से कहीं अंदर पानी जाके कोई मतलब कोई कैप या कोई कैपेसिटर लीक हो गया होगा या शॉर्ट हो गया होगा जिसकी वजह से टच काम नहीं कर रहा, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश है। और CPU EMMC के पास में भी एकदम परफेक्ट है, कहीं पर भी वाटर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा बात है समझने का कि अगर आपको अगर पता होगा कि जो टच काम नहीं करता, जो टच का जितने भी सारे सप्लाईज आते हैं, मतलब जितने भी सारे वोल्टेज एम्पेयर जितने भी आते हैं सभी किस में से आते हैं, CPU से आते हैं, EMMC से नहीं, CPU से आते हैं। और जो कुछ वोल्टेज होता है वो पावर IC से आता है। ये हमको एक बेसिक से एक नॉलेज है जो काफ़ी लोगों को पता रहता है ना। टच के जितने भी सारे कनेक्शंस होते हैं वो सभी CPU से आते हैं और उसका जो वोल्टेज जो होता है वो आता है आपका पावर IC से। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, पावर IC को और CPU को हीट करना है। वो डिग्री भी मैं आपको बता देता हूँ कितना डिग्री, 400 के 450 450 के अंदर पावर IC को हिलाना नहीं है, सिर्फ हीट करना है, ठीक है। IC को आप हिलाने मत जाइएगा, सिर्फ लाइट से अगर हीट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोनों IC को भी हिला लेता हूँ, हिलाऊँगा नहीं सॉरी, हीट कर लूँगा, CPU को भी और EMMC को भी और पावर IC को भी।
अभी जो हमने उसको ठंडा करने के लिए काफ़ी देर तक छोड़ दिया था, ठीक है, तो मैंने कहीं पे भी शेक नहीं किया, सिर्फ मैंने हीट किया है, क्योंकि मुझे पता है वाटर डैमेज है, कहीं ना कहीं तो ये मॉइस्चर हो गया होगा जिसकी वजह से उसका टच काम नहीं करा। और मैंने स्टार्टिंग सबसे पहले, क्योंकि मदरबोर्ड मुझे फ्रेश दिखा, तो मैं सोच रहा था कि डिस्प्ले के अंदर में जो पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे कहीं पानी जाके कुछ हो गया होगा, तो मैंने पूरा डिस्प्ले को भी निकाल दिया था, खोल दिया था, मगर डिस्प्ले खोलने के बाद में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो अभी हम देखते हैं कि हमने इसको हीट तो कर दिया, हीट करने के बाद में जो हमारा टच है काम करना करेगा या नहीं करेगा। डिस्प्ले अच्छा है क्योंकि हमको पता है इसका कनेक्शन सीपीयू से और पावर एसी से ही आता है, तो ये 100% काम करेगा। अगर नहीं होगा तो हमको सीपीयू को रिबॉलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो पावर एसी को रिबॉलिंग करना पड़ेगा। वैसे ये ऑन कंडीशन में रिबॉल करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, हीट से ही 99% चांसेस है मोबाइल सही हो जाने का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, मोबाइल ऑन हो जो होने दीजिए, ऑन होने के बाद में इसका स्क्रीन पे अभी वर्क करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो पैटर्न वर्क कर रहा है, और एक्चुअली इसका क्या पैटर्न है मुझे भी पता नहीं, कस्टमर को ही पता होगा, मगर अभी जो है इसका पैटर्न और इमरजेंसी कॉल पे देख सकते हैं टच काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है, उतना भी बड़ा मुश्किल नहीं है कि हम ज़्यादा मुश्किल से करें, बहुत आसान है समझने के लिए, बस हमको समझ होना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों को इस वीडियो से काफ़ी मदद होगा, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, और थोड़ा बहुत आपको भी सीखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो और फ़ोन को हम क्या करते हैं फिटिंग करके उसके बाद में रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर।